गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है 1 मई और निधि अभी जा रहे हैं कोरोना टेस्ट करवाने। और भाई साहब, मेरे को पता नहीं क्या आवाज़ रिकॉर्ड हो पा रही नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, हॉर्न बज रहे हैं और बस पता नहीं क्या क्या हो रहा है। भाई इन कारणों की वजह से गाड़ी लेके आया, और हमारी वाली गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, ना के बराबर है। यहाँ पे पूरी की पूरी नीचे बैठ जाती वो, पूरा रोड खोल रखा है ना, पूरा का पूरा भाई साहब मार्केट ऑलमोस्ट बंद पड़ा है या फिर खुला नहीं है शायद। ये इस मार्केट को क्या बोलते हैं, लोहा मंडी है। हाँ, ये लोहा मंडी है और सारा मार्केट बंद पड़ा है, अभी खुला नहीं है, शायद खुलेगा अभी। नारनौल का सिविल हॉस्पिटल में स्वागत है आपका एक बार बहुत लंबे टाइम बाद। इससे पहले मैं तब आया था यहाँ पे जब मेरा मेडिकल था बेसिकली, नागरिक अस्पताल नारनौल। चल लास्ट में भाई पर्ची कटवा दी है, और उसके अलावा अभी हमको सैंपल देना है, और जब से ये टेस्ट करवाने आए तो उसने निधि कह रही सांस आना बंद हो गया निधि को, है ना दी? सुबह से सांस नहीं आ रहा मुझे। जब से आज ये बात हुई ना कि टेस्ट करवाना, तब से निधि कह रही सांस नहीं आ रहा, सैंपल देने के नाम से उसकी तबीयत खराब हो गई। भाई अभी क्या हुआ ना कि अभी दोनों का सैंपल ले लिया गया है, निधि वहाँ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी तो उसको डांट मार के भगा दिया। मतलब कहा तो मैंने था रिकॉर्ड कर लियो, सैंपल लिया जैसा लिया नाक में गुदगुदी कर दी बहुत तेज। लोग कहते हैं दर्द हो रहा, लेकिन मेरे तो नाक में गुदगुदी कर दी बहुत तेज। भाई अगर मार्केट में जाके घर से बाहर जाके स्कूटी है ना सेल्फ स्टार्ट ना हो ना, तो इतनी गंदी बेइज्जती होती है जिसकी हद नहीं है। 20-25 किक मारे जाओ स्टार्ट होती नहीं हो रही, हमारी वाली स्कूटी का सेल्फ स्टार्ट पूरा जा चुका है तो इसको हर जगह। और मैं इसे किक मारता हूँ तो भाई बस मेरे जो पैर में कुत्ता काटा हुआ उसमें अभी हल्का हल्का सा पेन है, तो अभी वो दोबारा टच हो गया इसके और उसमें दोबारा पेन चालू हो गया। खैर नहीं भाई, अपनी स्कूटी स्टार्ट हो गई। तो भाई अभी कुछ दवाई ववाई खरीद के लेके आए हैं, मेडिकल स्टोर वाले भैया ये कह रहे हैं कि पैरासीटामोल तक आगे से मतलब शॉर्ट पड़ रही है, और ऑक्सीमीटर जो मिल रहा था यहाँ पे 600 रुपये का, वो 3000 रुपये का मिल रहा है। तो हालत तो यार पता नहीं, जैसे मेरे को दिख रहा है वही ख़राब हो रही है या फिर गड्ढे में खुदा दी इसने। खैर अभी घर पहुँच गए अभी के लिए, हम हमेशा की तरह दारू वाले ग्लास में, दिस टाइम द दारू का ग्लास इज़ रॉयल चैलेंजर, रॉयल चैलेंज ओके मुझे पता नहीं, इस रॉयल चैलेंज, और इसके अंदर हम बैठ के जीरा पानी पी रहे हैं, जीरा पानी गरम, बिल्कुल गरम वाटर। एनीवेज अभी अपने फेसबुक पे एक नया हैशटैग चल रहा था जिसका नाम था #resignmodi, क्योंकि सभी को पता है कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज 1 मई है, आज शायद 4 लाख के आसपास केस आए हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा है एक दिन में। उस वजह से लोग क्या था कि बहुत ज़्यादा लोग जो पोस्ट डाल रहे थे और उसमें पोस्ट में हैशटैग यूज़ कर रहे थे रिज़ाइन मोदी, मोदी अपने पद से इस्तीफा दो। हुआ कि अचानक से फिर फेसबुक ने इस वाले हैशटैग को ब्लॉक कर दिया कि कोई इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, और फिर लोगों को ऐसा लगा कि गवर्नमेंट ने फेसबुक को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भाई इस वाले हैशटैग रिज़ाइन मोदी को ब्लॉक किया जाए। लेकिन बाद में फेसबुक क्लेरिफाई करता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने हमें सब कुछ नहीं कहा, हमने अपनी मर्जी से गलती से ऐसा कर दिया था। खैर हम मान लेते हैं फेसबुक की बात कि फेसबुक ने गलती से इस चीज़ को ऐसा कर दिया था। खैर ये तो सभी को पता है कि कंट्री के अंदर प्रेस की क्या हालत है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स अपना कैसा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व करना इज़ नॉट ए न्यू थिंग फॉर दिस रिजीम। एनीवेज मैं कुछ फालतू के रिमार्क्स नहीं करूँगा पॉलिटिकल चीज़ों पर, लेकिन बस मैं सिर्फ ये कह रहा था कि फेसबुक ने हैशटैग रिज़ाइन मोदी वाले हैशटैग को ब्लॉक कर दिया था। भाई मौसम बिल्कुल बढ़िया, कूल, शांत, एक नंबर का मौसम हो रहा है, देख रहे हो हवाएं चल रही हैं। भाई एक बात और पता लगी है कि पबजी मोबाइल इंडिया ने यूट्यूब पे 3 वीडियो अपलोड किए थे और फिर बाद में डिलीट कर दिए, तो लोग ऐसे कह रहे हैं कि शायद आशंकाएं जताई जा रही हैं कि पबजी मोबाइल इंडिया में फिर से आ सकता है। खैर एक बात मैं बता नहीं भूल गया कि क्योंकि आई एम इन आइसोलेशन, तो अगले जब तक मैं आइसोलेटेड हूँ तब तक वीडियोज़ में कोई और नहीं आएगा, सिर्फ मैं ही आऊँगा। खैर ठीक है, इसमें भी शायद कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। भाई घर पड़े पड़े बिना किसी की शक्ल दिखाए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखा सकता हूँ, वो है हमारे गार्डन में लगी हुई भिंडी, बिल्कुल बढ़िया बढ़ी है, अभी सही साइज़ की हो गई है, हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है। जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन लेट्स हैव अ लुक ऑफ द भिंडी। ये देखो भाई, ओह माय गॉड, ये तो शायद पक गई है ना, ये शायद पक गई है, पता नहीं, अच्छी खासी भिंडियाँ लग गई हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट हार्वेस्ट करने के लायक हो गई हैं शायद। मतलब जो बड़ी वाली इनको तोड़ ही सकते हैं, कुछ जो नेसेंट स्टेज में है, जैसे शायद ये जो बगल वाली है। भाई अभी है हमारे पास एक काढ़ा, और वो काढ़ा हम लोग पिछले पूरे लॉकडाउन में पिया है, इस लॉकडाउन में पिया है, और
इसकी सिर्फ एक या दो घूट पीनी होती है, क्योंकि एक या दो घूट पीने के बाद आप इस लायक बचते नहीं हो कि तीसरी घूट पी सको, इतना कड़वा काढ़ा है ये। ये काढ़ा बिल्कुल हमने मंगवाया है कोयम्बटूर से। ये जो बिल्कुल जो काली काली चीज़ है, यही अपना काढ़ा है। भगवान कैसे पीऊंगा इसको मैं, जैसे रोज पीता हूँ वैसे पीऊंगा, ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है ना। गूज़बम्प्स आ गए भाई, अभी चल रही है अपनी आज वाले व्लॉग की एडिटिंग, और इस व्लॉग की एडिटिंग करने के बाद अपन गरारे करेंगे। और खैर दो दिन से अपना व्लॉग नहीं आया है क्योंकि यार आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा फीवरिश हो रहा था, उसी वजह से आज जाके मैंने फिर कोविड टेस्ट करवाया। इस व्लॉग में अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, घर के अंदर रहो भाई, स्टे सेफ, नो नीड टू बाहर घूमने का फालतू में, बिना मतलब में कोरोना हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो ठीक है, बाय।